मैं उनके बारे में तो इतना मतलब, क्योंकि अभी वो जस्ट वाइल्ड कार्ड में गए हैं, बट मैं कहना चाहूँगी बिग बॉस इस बार बहुत एंटरटेनिंग है एंड आई एम बिग फैन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, उसके लिए ही मैं देखती हूँ आई कैन से। एंड ऑल्सो शहनाज शुरू में तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और लेकिन अभी कुछ टाइम से थोड़ी अलग जा रही है, फिर कुछ मतलब एवरी डे उसका चेंज हो रहा है, बट सिद्धार्थ शुक्ला इज़ ऑसम एंड आई एम लविंग हिम। उसके जो स्टैंड्स होते हैं, उसके जो क्लियर बातें एंड बहुत अच्छे से वो जो भी बोलता है, किसी के बारे में बिचिंग नहीं करता है, जो भी बोलता है मुँह पे बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहती है किसी कंटेस्टेंट्स पे, बिकॉज यू नो हाउ बिग बॉस इज, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल। या बट इफ इज देयर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, इफ इज देयर तो मेकर्स ने कुछ सोच के ही उनको अंदर लिया होगा ना, सो हुआ वे टू जज एंड डिसाइड कि कौन डिजर्विंग है और कौन डिजर्विंग नहीं। अगर आप घर के अंदर हैं तो आप डिजर्विंग है, दैट्स इट। एज फार एज सबका पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्नड, एवरी वन हैज़ द राइट टू रिएक्ट। जिनको जो जैसा कंटेस्टेंट लगे वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं और करते हैं, एवरीबडी डज। आई चूज़ नॉट टू रिएक्ट, सो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। थैंक यू। Yeah, you might even see me very soon going in there and meeting those people, because they called me last week, but I was a bit sick, so I couldn't go at that point of time. Aur abhi jab bhi ye log bulayenge to main jaunga, dekhunga, but it's you're right, absolutely right, that it's very very tough this time and people are just, you know, going mental this time. It's crazy. Okay, so any favorite of yours from this season? I think this girl is pretty honest. Shehnaz. Yeah, so I think she's funny, innocent types. So I think insaan ka innocent hona zaruri hota hai. So which you can see clearly, you know, that is there. तो बिग बॉस की बात करना जरूरी है यहाँ पे? यहाँ तो बोलना था बहुत दिनों के बाद, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी बोलिए। कैसा लग रहा है? देखो, हर साल बिग बॉस जब भी आता है मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। मेरा फेवरेट शो है ये। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस शो की, और क्योंकि मैं अंदर भी रह चुकी हूँ तो मैं बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाती हूँ। तो इस साल शुरुआत में काफ़ी ठंडा था एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बहुत ही लड़ाई झगड़ा, बहुत ही हाथापाई, बहुत ही अग्रेशन हो रहा था। उन सारे एक्टर्स को ऐसे देखकर जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, जिन्हें जनता जानती है, जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, उनको ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लड़ रहे हैं वो, हाथापाई कर रहे थे। अब ये तो हमें पता नहीं ना कि वो सीक्रेट रूम में गए हैं या फिर वो अपने घर के रूम में चले गए हैं, ये हमें पता नहीं, हमें पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीक्रेट रूम में गए होते तो अब तक पता चल जाता। सीक्रेट रूम वालों को इतना ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखा जाता, तो तब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो नए कंटेस्टेंट आए हैं, थोड़ा एंटरटेनिंग हो गया है। शहनाज थी पहले सिर्फ, अब जो हिंदुस्तानी भाव है वो मुझे एंटरटेनिंग लग रहे हैं। वो जब आए थे तब भी मुझे लग रहा था कि बहुत मज़ा आएगा और आ रहा है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी रहेगा, क्योंकि सिर्फ लड़ाई किसी को नहीं मज़ा आता। मैं हंसते हंसते गिर गई थी इस लाइन पे। हालांकि मैं इस बात से नहीं अग्री करती कि जहाँ वजन वहाँ भजन, आरती नहीं करती, ये कोई और करता था, लेकिन आरती नहीं करती। अगर आरती करती होती तो उसका ये स्टेटस नहीं होता। हालांकि बची हुई है, अब कैप्टन भी बन गई, ऐसा होता तो इतने लोग आरती को नॉमिनेट नहीं करते ये कह के कि वो लायक नहीं है शो में रहने के।
वो तो बिग बॉस की गेम ऐसी चल गई कि वो कैप्टन बन गई, लेकिन इस बात से मैं थोड़ा अग्री नहीं, हालांकि लाइन बहुत बढ़िया है, लेकिन आरती के लिए ये नहीं है ऐसा मुझे लगता है। मैं तो बहुत खुश हूँ आरती के लिए, और मैंने उसको कई बार मैसेज भी भेजे, मैं ज़्यादा जा नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ छोड़ने गया था क्योंकि मैं सोनी पे हूँ तो मैं ज़्यादा कलर्स पे जा नहीं सकता हूँ। ये तो मेरा मन बड़ा करता है कि मैं जाऊँ, भाई दूज के दिन मेरा बड़ा दिल था कि मैं अंदर जाके आरती से मिलता, लेकिन मुझे सोनी की से परमिशंस नहीं है, तो मैं हम उसको बड़ा मिस कर रहे हैं। मैं उसके लिए पोस्ट भी किया था अभी भाई दूज के दिन कि मैं आरती को बहुत मिस कर रहा हूँ, और मैं ये भी विश नहीं कर सकता कि जल्दी बाहर आ जाए। थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ, हम लोग अपने भी शोज़ ज़्यादा नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि अभी हम लोग बैक टू बैक शूटिंग्स कर रहे हैं, सैटरडे संडे टेलीकास्ट है, और अभी कपिल का भी छोटू आने वाला है, तो अभी हमारी शूटिंग ज़्यादा जोर शोर में चल रही है। वेरी एक्साइटेड फॉर कपिल्स बेबी आल्सो। टफ फाइट, एक तो ना बिग बॉस के घर में ना खुद से एक बहुत बड़ी फाइट होती है, एक तो सबसे पहले खुद को ही आप संभाल लो, बाकी इधर आप कोई भरोसा नहीं है, कोई जो सिंपल सा भी निकल कर आता है ना तो वो बाद में कुछ भी कर सकता है, तो यू नेवर नो। तो मैं पर्टिकुलर एक आदमी का नाम या लड़की का नाम नहीं ले सकता कि ये पर्टिकुलर टफ फाइट देगी। मुझे इस बारी सभी पसंद आ रहे हैं, ये शो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, यू नो, डे बाय डे। हाँ, तो एक को फेवरेट तो नहीं बोलूँगी बिकॉज कल ही बहुत सारे लोग आए हैं नए, और वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, सो आई थिंक लेट्स वीक वेट फॉर वन वीक मोर। लेकिन इससे पहले जितने कंटेस्टेंट थे और तो कभी आप मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट हुए कि या मैं रश्मि को नहीं चाहती थी कि वो जाए, दोनों ही नहीं चाहते रश्मि जाए, वो हमारी स्वीट पर्सन एंड अ गुड फ्रेंड, तो वी डिडंट वांट कि वो जाए, बट आई थिंक वो वापस आएगी, वी आर होपिंग। यस, एंड बिग बॉस दिस टाइम बिग बॉस इज ऑल अबाउट पारस एंड पारस वर्सेस सिद्धार्थ, तो यही चलता रहेगा, और लास्ट में आई थिंक सिद्धार्थ द टाइगर इज गोना विन द शो। अभी टॉपिक फिलहाल चेंज तो हुआ है, हां, लेट्स टॉक अबाउट लव स्लीप रिपीट गाइस, बिग बॉस इज डन एंड ओवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, हां जी, हमें बिल्कुल तो चाहिए नहीं यार, मैं बिग बॉस अच्छी नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस राइट नाउ, सो आई हैव नो क्लू, एंड नीदर डज शी, आई डोंट नो इफ शी कैन इवन आंसर, बिकॉज हम लोग नहीं देख रहे बिल्कुल भी बिग बॉस, एंड जितना थोड़ा बहुत सुना था बीच में कुछ बैन का हुआ था एंड एवरीथिंग इज वॉट आप लोगों के थ्रू ही पता चला था, बट अदरवाइज सॉरी वी आर नॉट वॉचिंग इट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए शुरू हो गई है पिक्चर। अगर हम बात करें पॉजिटिवनेस की, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिवनेस आपके पास होती है, चाहे वो बिग बॉस के घर हो या बिग बॉस के बाहर हो, तो सब दिखावा है। पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, नेगेटिव ही जितना आप, हाँ, कुछ भी कह रहे हो, नॉनसेंस ऑनेस्टली। लेकिन आजकल पता है क्या, हम दोनों सच में बहुत 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 बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे आस पास या हमारे नहीं सबके आस पास इतनी नेगेटिविटी छा गई है ना, मतलब लोगों का वैसे ही हो गया कि डाउट करने लगे हमेशा, तो नहीं का मतलब ब्लड नेगेटिव हो सकता है, बट आई एम श्योर ये बी पॉजिटिव है, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा खून भी बी पॉजिटिव है, दैट्स अ वेरी फनी, बहुत ही आयरोनिक है, बट वी आर बी पॉजिटिव। हाँ यार, मैं किसी एक पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली ये वाला सीज़न बहुत ख़राब है, मतलब मुझे सच में ऐसा मन कर रहा है कि मैं बंद कर दूं टीवी, मुझे देखना नहीं, जेन्यूनली मैं आपको बता रहा हूँ, यू नो, बिकॉज इट इज़ देयर सो मच ऑफ फॉरगेट नेगेटिविटी, देयर कोई इज्जत ही नहीं है एक दूसरे की, आई थिंक सबको हलचल हुई कि हमें इस हफ्ते बाहर नहीं जाना, या तो फाइट करो या तो फ्लर्ट करो, शो में रहना है, शो में रहने के चक्कर में वो अपनी असलियत नहीं दिखा रहे, देयर बीइंग पीपल दैट वी डोंट नो, हम देखते हैं कौन है ये लोग, हम ये साइड इनकी कभी देखी नहीं है, सो इट्स डिसअपॉइंटिंग टू वॉच। मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ मेरे दोस्त शुक्ला और रश्मि को देखकर, सच में। आपको शेना लगती है फेक है, फ्लर्टिंग कर रही है शेना?
यार तुम है ना बिग बॉस की बातें करो, यहाँ पे हम आनंद कॉल नहीं को देखने आए हैं टर्मिनेटर। हम उनसे जानते नहीं हैं, सो बोलना मुश्किल है। हम सेपरेटली करेंगे ये वाला इंटरव्यू। और थैंक यू गाइस। एब्सोल्युटली वायलेंस किसी भी फॉर्म में गलत है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, और वो ऐसी कुछ चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं, जिसके बाद में उन्हें रिग्रेट होता है। बट इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी। और अभी एक मेरी दोस्त ऑलरेडी है अंदर, रश्मि, हु इज़ डूइंग वेरी वेल। अब मेरे एक और दोस्त जा रहे हैं तहसीन पूनावाला, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। कुछ लोग बाहर आएंगे, कुछ लोग नए लोग अंदर जाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। जैसा हम सुन रहे हैं कि आधे लोग आउट हो जाएंगे, तो आई थिंक रश्मि, सिद्धार्थ, पारस, सना, दे विल डेफिनेटली स्टे, और तहसीन भी अंदर जा रहा है, तो आई थिंक कुछ नई एनर्जीज, कुछ पुरानी एनर्जीज, तो मज़ा आएगा। ये शो को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे लोग देखना।